अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं? यकीनन अच्छे होंगे। आज 2 जून, क्लास सिक्स, ट्यूसडे। जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे थे, हम्द की हमने मुश्किल अल्फाज के मानी टॉप वर्ड्स किए थे और मरकजी ख्याल किया था। अब हम अशार की तशरीह करेंगे। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जाहिर उसमें है खुशनुमाई, जाहिर आया खुशनुमाई खूबसूरती। शायर कहता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक व मालिक है। इसने जो चीज़ भी बनाई है वो हर तरह से खूबसूरत दिखाई देती है। उसमें एक हुस्न है। इसी हुस्न की वजह से अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है। शेर नंबर दो, क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। रंग ढंग, तौर तरीका, अशिया, चीज़ें। जी, शायर इस नज़ हम्द में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहता है कि दुनिया में जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, इन सब का बनाने वाला अल्लाह ताला है। हर चीज़ की शक्ल और खूबियाँ जुदा जुदा हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी जो भी चीज़ बनाई है, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा नज़र आता है। हर चीज़ की शक्ल और सूरत बहुत उम्दा है। जो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखता है, वो इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। शेर नंबर तीन, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं कोई खाली। अदा अंदाज, निराली अनोखी, हिकमत दानाई। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है, इसको एक अनोखे और अजीब अंदाज में पैदा किया है। अपनी बनाई हुई चीज़ों में अल्लाह ताला ने कोई मसलहत ज़रूर रखी है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेफायदा पैदा नहीं की है। हर चीज़ का पैदा करने में अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है।
क्लास ये तीन अशार हैं, आपने इन तीन अशार की तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी आपको प्रॉपर्स करा दिए गए थे और इसके बावजूद और वर्ड्स भी आपको बता दिए गए हैं और आपने तशरीह अच्छी तरीके से याद करनी है।